गुड मॉर्निंग क्लास 11th बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चैप्टर नंबर 22 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स ऐसा एक्सपेंडिचर जो किसी फिक्स्ड एसेट को खरीदने या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने पर खर्च किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। एज सच अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कोई भी एसेट परचेज की जाती है तो उस फिक्स्ड एसेट, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड और इनसे जो बेनिफिट है वो लंबे समय तक मिलता रहता है। हेंस इज रिटन इन एसेट्स और वो एसेट साइड में लिखा जाता है। ये एग्जांपल्स दिए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, जैसे बिल्डिंग प्लांट मोटर व्हीकल मशीनरी ट्रेडमार्क्स ये परचेज किए हैं तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। सेकेंड इज एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द परचेज और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट और एज वेजेस पे टू वर्कर्स और इरेक्शन मशीन। यानी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज की है और उसके ऊपर जो भी खर्च किया जाता है, मान लो कैरेज पेड किया है उस एसेट को परचेज करने पे, वेजेस दी है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं, तो वो भी सब क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। थर्ड पॉइंट इज एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सच एसेट। यानी उस एसेट के ऊपर इस तरीके से खर्च किया जाना जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो भी कैसा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस, यानी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के जो भी खर्च हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना, द कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस शुरू करने से पहले स्टैम्प ड्यूटी बनवाई जाती है, डॉक्यूमेंट्स जो का जो वर्क होता है उस पर जो भी खर्च होता है, तो वो भी सारे खर्च कैसे होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, रूटीन के खर्चे जो होते हैं किसी भी बिजनेस के, एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिलेटेड ड्यूरिंग अ करंट ईयर इटसेल्फ इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन्स ऐसा खर्च जिससे जो हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, हम कुछ खर्च करते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलता है, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो उसी करंट ईयर में ही पूरा हो जाता है। सच एज ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग इन पी एंड एल अकाउंट एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ऑर्डिनरी रिपेयर्स मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे बिल्डिंग पे वाइट वॉश करवाया गया है, ठीक है, तो वो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज और रीसेल, यानी माल खरीदना और बेचना वो कैसा खर्चा होगा, एंड डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी फिक्स्ड एसेट्स पे जो डेप्रिशिएशन लगाया जाता है वो भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मीन्स ये रूटीन के एक्सपेंडिचर है और जिनसे मिलने वाला बेनिफिट है वो एक ही साल में कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यही है कि हमें रीज़न देना है कि दिस एक्सपेंसेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ अ मशीनरी, मशीनरी खरीदी है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे की गई है। तो बेटा मशीनरी खरीदी गई है उसके ऊपर जितना भी खर्च होता है, चाहे वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, चाहे वेजेस है, चाहे कैरिज है या कस्टम ड्यूटी है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सेकेंड इज वेजेस पेड इन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीन, कोई न्यू मशीन परचेज की है उसको एस्टेब्लिश कराने के लिए वेजेस दी गई है, तो ये भी कैसे एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थर्ड पॉइंट इज रुपीज़ 50,000 स्पेंट ऑन रीपेंटिंग द फैक्ट्री, फैक्ट्री को पेंट कराया गया है, तो बेटा फैक्ट्री को पेंट कराना मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस होता है, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मीन्स इससे फैक्ट्री की कुछ कैपेसिटी नहीं बढ़ती बल्कि वहीं तक बनी रहती है, वो और ज़्यादा डैमेज नहीं होती। नेक्स्ट इज रिपेयर्स रुपीज़ 20,000 नेसेसिटी बाई नेग्लिजेंसी ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ अ मशीन,
मशीन के जो ऑपरेटर की नेगलेंस की वजह से 20,000 रिपेयरिंग पे खर्च कराए हैं, तो रिपेयरिंग जो ऑलरेडी मशीन बिजनेस में यूज़ हो रही है उसके ऊपर जो खर्च होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अगर कोई मशीन खरीदी गई है, चाहे वो सेकेंड हैंड है चाहे वो न्यू मशीन है, उसके ऊपर जो भी खर्च होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। और ₹1 लाख पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी क्या रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया है। बेटा सेम आपका 18th का बी पार्ट है, स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। लीगल एक्सपेंसेस इनकर टू डिफेंस अ शूट ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कुछ लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं, केस शूट वगैरह किया गया था उसके ऊपर माल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो बेटा ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेकेंड इज कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्टेड मशीन, ये कैपिटल है, अभी ऊपर भी किया था हमने। हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट अ न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसकी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया गया है, तो बेटा ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, पहले भी हमने किया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि इससे मिलने वाला बेनिफिट आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। नेक्स्ट है अमाउंट स्पेंड टू ओवरहॉल अ मोटर ट्रक परचेज सेकेंड हैंड, कोई मोटर ट्रक खरीदा गया है सेकेंड हैंड और उसकी ओवरहॉलिंग मीन्स उसकी इंस्टॉलेशन पे है या उसकी मेंटेनेंस पे खर्च कराया गया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चाहे न्यू ट्रक खरीदा जाए या सेकेंड हैंड खरीदा जाए, उसके ऊपर जो भी खर्च होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर सेटिंग अप अ न्यू मशीन, न्यू मशीन को सेटअप करने के लिए वर्कर्स को वेजेस दी है, क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए जो भी खर्च किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, क्योंकि ये रूटीन का वर्क है बेटा, फैक्ट्री में काम करना मजदूरों का। क्लियर, आई होप आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। इन पे बेस्ड आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे।